और ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि ना ही मैं रोजमेरी उगाती हूँ ना ही मेरे रोजमेरी के खेत है, पता नहीं खेतों पे उगती है या जमीन के ऊपर होती है। आगे करके दो ना करो। Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी वो दिन आ गया है जब मैंने आप लोग को रोजमेरी वाटर का देना है रिव्यू। अच्छा, बात कुछ ऐसी है कि अभी इसको 40 दिन नहीं हुए, 30 दिन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों के इतने मैसेज आ रहे थे, आप भी प्लीज रिव्यू शेयर कर दे 30 दिन का, ताकि हम भी बना के लगा सके, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए क्लियर हो जाए। मैंने इसकी इतनी वीडियो देखी थी, मेरे सर पे सवार हो गया था। मैंने कहा था जब तक इसको मैं ट्राई ना कर लूं मुझे भी सुकून नहीं आएगा, और रिव्यू देना भी जरूरी था क्योंकि इसके मुझे बेशुमार मैसेज आते हैं, आप ही क्या वाकई रोजमेरी वाटर से हेयर फॉल खत्म हो जाता है, बाल लंबे हो जाते हैं, क्या हो जाता है। मैंने लगातार लगाया है, एक दिन का भी नागा नहीं किया। चले जी पहले रिव्यू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी बात करते हैं इसने हेयर फॉल कंट्रोल किया या नहीं किया। अच्छा, मेरा इतना ज्यादा हेयर फॉल था ही नहीं, कभी 4 बाल उतर जाने, कभी 7 बाल उतर जाने, कभी 6 बाल उतर जाने, इससे ज्यादा मुझे हेयर फॉल नहीं होता था। 30 दिन मैंने इस्तेमाल किया है, मेरे अभी भी उतने ही बाल होते थे, कभी 4 कभी 6। मतलब अगर हेयर फॉल कंट्रोल होता तो मेरा को एक भी बाल ना उतरता, ठीक है। अगर कहें कि 100% रोजमेरी वाटर हेयर फॉल कंट्रोल करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं करता। ये जितना हेयर फॉल आपका हो रहा होगा उसको थोड़ा सा कम कर देगा, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता खत्म करेगा। और जिन लड़कियों की स्काल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और बाल बहुत पतला है, उनका ये हेयर फॉल शुरू भी करेगा। क्योंकि जिन लड़कियों ने मेरे साथ शुरू किया था, 1-2 के रिव्यूज थे सिर्फ कि आप ही इसने हमारा हेयर फॉल मजीद कर दिया है। इसलिए आप लोग पहले इसको एक बार टेस्टिंग के लिए 4-5 दिन कर लीजिएगा, फिर रेगुलर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। हेयर फॉल की बात होगी, अब चलते हैं जी बालों के टेक्सचर की तरफ। जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि रोजमेरी स्प्रे ने बालों का टेक्सचर इम्प्रूव किया और क्या बालों के अंदर चेंजिंग्स आई। लेंथ हम एंड पे करेंगे, पहले टेक्सचर की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इसको हफ्ता इस्तेमाल किया, मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि मेरे बाल ना सूख रहे हैं, मुरझा रहे हैं, रूखे रूखे से हो रहे हैं, कि यूं खिच खिच की आवाज आनी शुरू होगी। तो फिर मैंने हफ्ते बाद क्या किया, जब मैं रोजमेरी स्प्रे करती थी, चुटिया करती थी, चुटिया के नीचे कोई भी सरम या कोई भी आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी वॉशरूम अवेलेबल होता था वो मैं नीचे लगा लेती थी, ताकि मेरे बाल नीचे से सूखे ना, रूखे ना हो। इसने मेरे बालों को ड्राई किया और वो जो कह रहे थे ना शाइन आ जाती है और पता नहीं किस तरह के बाल हो जाते हैं, वो नहीं हुए। वो मेरी शाइन इसलिए भी आप लोग को लग रही है कि मैं डेली नीचे कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल लगा रही थी। हफ्ता जब मैंने इसको इस्तेमाल किया, मेरे बाल बिल्कुल रूखे और बेजान से हो रहे थे बाल, जिसकी वजह से मुझे टेंशन हो रही थी कि ऊपर से अगर हेयर ग्रोथ हो भी तो नीचे से मेरे रूखे क्यों हो रहे हैं बाल। एक फायदा मुझे हुआ कि रोजमेरी वाटर स्प्रे करने के साथ साथ कि मैं डेली जब कोई ना कोई सिरम या कोई ना कोई 2-3 कतरे आलमंड ऑयल के लगाती थी, तो मेरे बालों में ये देखें प्रॉपर एक शाइन आनी शुरू हो गई। ये देखिए, अब चलते हैं जी लेंथ की तरफ। मैं इंच स्टेप लेके आती हूँ, हिना को बुलाती हूँ जिसने पहले मेरे बाल नापे थे। पहले मेरे बाल की लेंथ आई थी 32 इंच, हमने यहां से नापे थे ना, तो अब मैं उसको बुला के लाती हूँ और वही मेरे बाल नापे की, देखते हैं कि कितने चेंज आए। अभी तक तो मुझे फील हो रहा है कि बाल मेरे बड़े हैं, मैंने भी चेक नहीं किया, इकट्ठे चेक करते हैं। हाँ जी, बाल खोल लिए जी, अब हम अपने बाल करने लगे हैं। मैं ये पहले 32 आया था ना लास्ट में, चलो ना सही तरह करना जिस तरह पहले किया था ना प्रॉपर। ये देखिए, यहाँ पे हमने पहले रखा था, एक मिनट, यहाँ पे हमने पहले रखा था। चलो इसके बाद मैं आप लोगों ने डेंसिटी बताऊंगी कि डेंसिटी ज्यादा हुई है या नहीं। आगे करके दो ना करो जी, दोबारा करो, सही से करना बिल्कुल। अच्छा कर, सबसे एंड वाला जो बाल होगा ना, जो नोक है उसके ऊपर। यार जी, हमने बिल्कुल सही से कर लिया है, यार इसने तो वाकई जादू कर दिए। और ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि ना ही मैं रोजमेरी उगाती हूँ ना ही मेरे रोजमेरी के खेत है, पता नहीं खेतों पे उगती है या जमीन के ऊपर होती है। 32 इंच थे पहले बाल और आज मेरे 34 आ रहे हैं, और खुद भी मुझे फील हो रहा था पोनी टेल के अंदर कि मेरे बालों की लेंथ लंबी हुई है। जब मैंने स्ट्रेट किए थे परसों बाल स्ट्रेट किए थे, तब भी मुझे फील हो रहा था कि लेंथ लंबी हुई है। आखिरी बात रहेगी कि डेंसिटी, कि मेरे बाल घने हुए हैं या नहीं घने हुए। यार पहले तो मुझे इसके ऊपर हैरत हो रही है, 32 से 34 हो गए हैं बाल, और मेरे बाल ऐसे इतनी जल्दी ग्रोथ मेरी खत्म हो गई थी। मतलब इतने हम डाई कराते हैं बाल,
कि इतनी ग्रोथ होना 30 दिन के अंदर जबरदस्त. बाल सुखाएगी लेकिन आपके हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करेगी. हल्के बाल है तो हेयर फॉल शुरू भी हो सकता है, लेकिन लेंथ के मामले में जी नंबर ले गया. अच्छा अब चलते हैं जी फटाफट डेंसिटी के ऊपर. अब जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं. डेंसिटी आप लोगों के सामने है. मुझे फील हुआ है कि डेंसिटी इंक्रीज हुई है. ये देखिए अभी तो डाय कराने वाला हो गया. ये देखिए डेंसिटी इंक्रीज हुई है, बाल ज्यादा हुए हैं. इस तरह करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर पता चले. ये देखें डेंसिटी इंक्रीज हुई है. आप लोग पुरानी वीडियो बेशक निकाल के देखें. थोड़ा सा पीछे जाओ, कहीं पीछे जगह ही नहीं है जाने की. ये देखिए लेंथ भी लंबी हुई है, डेंसिटी भी इंक्रीज हुई है. ये जी और नेक्स्ट रिव्यू आप लोग के सामने है. लगातार 30 दिन कोई छुट्टी नहीं, कोई नागा नहीं, कोई डंडी नहीं. रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार था. सबने रिजल्ट्स भी सुन लिए और मैंने जो चीज अच्छी मुझे लगी वो भी बता दी. जितने लेंथ लंबी हुई वो भी बता दी. सब कुछ मैंने बता दिया. आप लोग पर डिपेंड करते हैं आप लोग मेहनत करना चाहते हैं या नहीं मेहनत करना चाहते. अलार्म लगा ले मोबाइल पे और सोने से पहले आदत बना ले चुटिया करनी और रोजमेरी वाटर स्प्रे करना. इंशाल्लाह ताला एक महीने के अंदर अंदर आप लोग के बाल भी इतने ही लंबे हो जाएंगे अगर डंडी नहीं मारेंगे तो. और उसके बाद जी आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ. तब तक के लिए जी रब रखा.